हेलो गाइस, मैं इस समय हूँ जौनपुर के फेमस प्लेस यानी सद्भावना ब्रिज पे। और सद्भावना ब्रिज में मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी पता चला है ये जौनपुर में आने वाली है बाढ़। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो है सब कुछ सही चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, गोमती नदी का जो जल स्तर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पुल पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो पुल पर से अब किसी को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, यहाँ से सभी को हटाया जा रहा है। और यहाँ पर PSC वगैरह भी आकर लगी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती न कर बैठे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं आप, नदी में एकदम लबालब पानी से एकदम बुरा हुआ है। तो चलिए अभी नीचे चलेंगे और देखते हैं भाई किस तरह से नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और क्या बात है, कैसे है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग नीचे आ गए हैं, जो अपना ये गोपी घाट है, तो जिसे आप जौनपुर का मरीन ड्राइव भी आजकल सभी लोग बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग भाई कितना खतरनाक लग रहा है ये पानी। इसे देख कर ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर इसमें कोई गलती से गया तो फिर बहाकर नदी कहाँ ले जा सकती है। जो तैराकी हैं तो वो लोग तैराक कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तो उन लोग के लिए भाई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उन लोग के लिए जिसको तैरना नहीं आता। बाकी आपको आइए पास से दिखाते हैं पानी का स्तर किस तरह से बढ़ रहा है। तो कल तो क्या था, कल ये जो पानी था जहाँ पर हम चल रहे हैं, जहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ तक पानी पहुँच चुका था। लेकिन अब जो है काफ़ी सही है, मतलब तब पर भी आप लोग देख सकते हैं इसका बहाव कितना तेज है। बहाव को ही देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई, अगर इसमें जिसको तैरने नहीं आता वो आराम से बहुत दूर जा सकता है। बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब बालू बालू हो चुका है। तो कल यहाँ तक पानी आया था तो उसी का बालू पड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखिए एकदम आराम से अच्छी नींद ले रहे हैं, एकदम ठंडा ठंडा। तो कोई बात नहीं, इनको सोने देते हैं और आगे आइए मैं आपको। और यहाँ पर गोमतेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वो देख सकते हैं आप लोग, एकदम डूब चुका है, पूरी तरह से डूब चुका है गोमतेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो इसी तरह से अभी ऐसा नहीं है कि पानी कम हुआ है, अभी कल क्या बारिश लगातार हो रही थी इस वजह से पानी ऊपर तक आ गया था। लेकिन अभी भी पानी का बहाव इतना तेज़ है, इस वजह से लगता है पानी उधर से आ रहा है, पानी अभी बढ़ भी सकता है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग इसी को देखने के लिए लोग आए हुए हैं। और बाकी मैं आ चुका हूँ अपने शाही पुल पर, तो आइए शाही पुल से नज़ारा दिखाते हैं और देखते हैं शाही पुल पर क्या हो रहा है। वैसे आज संडे का दिन है तो लोग घूमने टहलने के लिए आए हैं। और अगर शाही पुल से इधर का पीछे का एरिया देखा जाए तो इधर भी एकदम लबालब पानी से भर चुका है भैया। ये लबालब मैं क्यों बार बार बोल दे रहा हूँ, सॉरी गाइज। और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अपना स्तंभ है पुल का, वो भी डूब गया था ज़्यादा। अब बाकी वहाँ तक देख रहे हैं आप, अब ऐसे समझिए पीछे पता न कहाँ तक ऐसे पूरा एकदम डूबा हुआ है अपना एक गोमती नदी। बाकी शाही पुल का आना जाना सभी का लगा हुआ है, दुकानें लग रही हैं। और आइए यहाँ पर कुछ लोग अभी नहा रहे हैं तो उन लोग को भी दिखाते हैं भाई। जो तैराकी लोग हैं लोग मानते नहीं, वो लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कब पानी बढ़े, उसके बाद हम अपने तैराक को और भी काबिल बना दें। आइए मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि पानी का स्तर कैसे बढ़ रहा है। और ये देखिए भाई क्या बात है, तो बहुत ही खतरनाक रूप है। आप लोग देख सकते हैं, इस पानी को देख कर ही आपको डर लग रहा होगा। देख सकते हैं ये जो गोला गोला बढ़ रहा है, इसे क्या बोला जाता है आप लोग जानते हैं, भौरी। मतलब अगर इसमें जो फंसा तो उसे निकलना जो है मुश्किल है। मतलब जिसको तैरने आता हो तो ठीक है भाई, जिसको तैरने नहीं तो ऐसे बनाते हुए लेकर चली जाएगी आपको। तो भाई इस समय थोड़ा सा आप लोग बच के रहिएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत तेज़ी से है यार। और लेकिन भाई कुछ बहादुर लोग हैं हमारे जौनपुर के, वो लोग देखिए मौज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हनुमान घाट की तरफ, उधर भी पानी पूरी तरह से चबूतरे तक पहुंच चुका है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अभी पितृपक्ष जो चल रहा है उसका भी पूजा वगैरह कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग नहा रहे हैं। तो इधर का भी हिस्सा काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव की वजह से डूब गया है। और बाकी धीरे धीरे भी पानी आ ही रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और बाकी यहाँ पर PSC वगैरह सब कुछ लगा, यहाँ पर सुरक्षा के लिए सब कुछ दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग नहा रहे हैं, तो ये लोग भैया
तैराक वाले हैं भैया, तैराकी ये लुक को तो असली मज़ा है। अब बाकी भाई बहुत ही सुकून लग रहा है पानी देखकर, लेकिन बस देखिए आप लोग और उसमें जाने का प्रयास मत करिए। और यहाँ पर साफ़ सफाई के भी ढेर सारे कार्य हो रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छा लग रहा है नगर पालिका की तरफ से। बाकी कुछ लोग नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं, और बाकी इसी तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी तो धीरे धीरे यहाँ पर शाम होगी तो और भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। बाकी चबूतरे भी देख सकते हैं, इतना ज़्यादा बालू आ गया, मतलब कल रात तक पानी था, उसके बाद उसी की वजह से इतना ज़्यादा बालू हुआ है। और बाकी देख सकते हैं उस पार वाला घाट भी एकदम पूरी तरह से, जितनी भी सीढ़ियाँ थी सब डूब गई हैं, सिर्फ चबूतरा ही ऊँचाई पर पहुँचा हुआ है। तो ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और देख सकते हैं इस तरफ भी पानी एकदम डूब गया है पूरा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आप लोग के लिए नया वीडियो लाने वाले हैं, तो उस वीडियो पर प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा।